अमीर क्या कह रहा है, किसको देंगे? जब भी पीपल्स पार्टी को देंगे। आप कह दबाव में आकर आप हम अंदरूनी संघ के आदमी है, हम किसी के दबाव में नहीं आते, नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं। सर देखिए ना, कल का करीम कबूल, मैं शर साहब, मैं अपनी गाड़ी में, हम तीनों इकट्ठे आए थे यहाँ। जब हम लोग आए तो यहाँ तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी, और वो अपने मर्जी से आया था, बच्चा नहीं था। 3 दिन जो है वो अपने घर से बाहर रहा था किसी अपने दोस्त के पास। तो मसला ये है, यहाँ आके उसको पता नहीं था, जब उन्होंने अंदर आके इस पर हमला कर दिया, तो हमला करके और उसको ले गए। और आप अगर वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से वो भागते हुए उसको गाड़ी में डाला उन्होंने, देखिए ना। तो ये अभी गबूल साहब मेरे ख्याल में बता ही सकते हैं। तो पहला कोई अगवा नहीं हुआ, कोई किसी को अगवा नहीं कर सकता, क्यों अगवा करेगा? हमारा हक है, हमने नाराज़गी का इजहार किया है इसी वजह से कि हमारे इलाकों को निगलेक्ट किया गया है। आप यकीन करें कि मैं चैलेंज से कहता हूँ कि फेडरल वालों को ये पता नहीं कि जो 2 MPA अंदरून सिंध से हैं उनके नाम क्या है, और वो लोग यहाँ आते हैं या अपने फैमिली से मिलते हैं और उसके बाद खान साहब को कहते हैं कि हम तो सिंध का दौरा करके आए हैं। तो खान साहब को भी इन्होंने बड़ा डार्क में रखा है, सिंध पे किसी भी फेडरल का मिनिस्टर का तवज्जो नहीं है। जमीन का फैसला होगा, हम इनको वोट नहीं करेंगे, इनको जी PTI को नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी को करेंगे, किसको करेंगे? PTI में रहेंगे, मगर मेरे ख्याल में इसका